अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज्यूम्पशन फॉर रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन मनी वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम। उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास कॉन्स्टेंट स्क्रैप वैल्यू। 19 है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अपने पास मोर्टेलिटी टेबल्स MT। उसके बाद अपने पास रिलेबिलिटी ऑफ एन आइटम इज, रिलेबिलिटी ऑफ एन आइटम इज क्या होता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है अपने पास आप फेलियर प्रोबेबिलिटी, वन फेलियर प्रोबेबिलिटी। और अगर क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस्ड इन ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अपने पास फेलियर प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स इट इज एज्यूम टू मेंटेनेंस कॉस्ट मोस्टली डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अपने पास रनिंग एज। उसके बाद अपने पास ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई टू आइटम दैट फेल कंप्लीटली। उसके बाद अपने पास फ्रेंड्स इफ अ मशीन बिकेम ओल्ड देन द फेलियर रेट एक्सपेक्टेड विल बी, ये इंक्रीजिंग हो जाती है उसकी फेलियर रेट क्योंकि वो ओल्ड हो चुके तो फेलियर ज़्यादा होती है मशीन। उसके बाद रिप्लेसमेंट इज सेड टू बी नेसेसरीली इफ, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स फेलियर रेट इज इंक्रीज हो जाए तो भी उसको रिप्लेस करना होता है, फेलियर कॉस्ट इज इंक्रीज हो जाए तो भी उसको रिप्लेस करना होता है, फेलियर प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज हो जाए तो भी उसको रिप्लेस करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन दिस स्टेज द मशीन ऑपरेट एट हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्शन रेट विल बी हाई, तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास फ्रेंड्स यूथ स्टेज। अगले अगला क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट डिसीजन इज वेरी मच कॉमन इन दिस स्टेज, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अपने पास ओल्ड एज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास द रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट इज इम्पोज्ड ऑन एन आइटम इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फेलियर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप रिप्लेसमेंट व्हेन सर्टेन सिम्पटम्स इंडिकेट दैट अ मशीन इज गोइंग टू फेल एंड टू अवॉइड फेलियर इफ मेंटेनेंस इज डन इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर है अपने पास प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपने पास द रेट्रोग्रेसिव फेलियर द फेलियर प्रोबेबिलिटी विद टाइम इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ये हमें बताना है तो होती है डिक्रीज होती है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।